रब की सना। शौक पहले करता है रब की सना, जिसने दम में सारी चीजें दी बना, जिसने दम में सारी चीजें दी बना, जिसने दम में सारी चीजें। शौक पहले करता है रब की सना, शौक पहले करता है रब की सना, जिसने दम में सारी चीजें दी बना, जिसने दम में सारी चीजें दी बना, जिसने दम में सारी चीजें दी बना। शौक पहले करता है दम में सारी चीजें दी बना, जिसने दम में सारी चीजें दी बना, जिसने दम में सारी चीजें दी बना। मुलाहिज़ा कीजिए हजरात, यहाँ से हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ये वाकया। फिर दुरूदे पाक उनकी जात पर, जो है रब के आखिरी पैगाम बर, बाद उसके अर्ज है वो दास्तां, जिसको सुन के होंगे सब महबे खुदा। हजरत अय्यूब अल्लाह के नबी, साबिरो शाकिर थे जाहिद मुत्तकी, उन पे रहमत थी खुदाए पाक की, थे वो अपने दौर के आला सखी। ऊंट घोड़े और मवेशी बेशुमार, माल दौलत का था ना कुछ आर पार, बादशाह वक्त के खुशहाल थे, नेमतों से रब की माला माल थे। दुख्तरो फरजंद और लौंडी गुलाम, रब ने बख्शे उनको थे वो शाद काम। जिस कदर दौलत लुटाते खल्क पर, इतना ही बढ़ता था उनका माल दर। खेती और बागात की इफरात थी इजाजत, जिन्स खाते थे सभी। खूबरू बीवी थी रहमत आपकी, बादशाह मिस्र की थी लाडली। हर तरह से उन पे रब का फजल था, करते थे वो हर घड़ी शुक्रे खुदा। आपका चर्चा फरिश्तों में हुआ, आपका चर्चा फरिश्तों में हुआ, आपका चर्चा फरिश्तों में हुआ, आपका चर्चा फरिश्तों में हुआ। सुहद तकवा खूब है अय्यूब का, जुहद तकवा खूब है अय्यूब का, जुहद तकवा खूब है अय्यूब का। का चर्चा फरिश्तों में हुआ, जोहदो तकवा खूब है अय्यूब का। जब शैतान ने ये बात सुनी तो वो देखकर जल गया, और क्या हुआ आगे सुने। देखकर शैतान ये शोहरत जल गया,
एक दिन अल्लाह से कहने लगा, तूने दी है नेमतें अय्यूब को, क्यों ना लब पे उसके तेरा जिक्र हो। माल की खातिर है बस झुकती जिबी, दर हकीकत बंदा वो शाकिर नहीं। रब ने फरमाया गलत कहता है तू, है मेरा अय्यूब बंदा ने तुकू। शुक्र वो हर वक्त करता है मेरा, उसको लालच कुछ नहीं है माल का। बोला शैता दे मुझे ये इख्तियार, उसका चौपट कर दूं सारा कारोबार। देख फिर वो किस तरह शाकिर रहे, और हुजूरी में तेरी हाजिर रहे। हक ने फरमाया दिया ये इख्तियार, जा तू ले अय्यूब के बागो बहार। जाके फिर शैतान लई ने ये किया, खेती और बागात सब डाले जला। हजरत अय्यूब को फिर दी खबर, हो गई इमलाक सब जेरो जबर। फायदा क्या है खुदा के जिक्र से, खेती और बागात सारे ले लिए। सुन के ये अय्यूब बोले गम नहीं, सबका मालिक है वो रब्बुल आलमी। सबका मालिक है वो रब्बुल आलमी। सबका मालिक है वो रब्बुल आलमी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम कि ये जोहदा और जोहदो तकवा देखकर एक दिन शैतान अल्लाह तबारक व तआला से कहता है कि तूने अय्यूब को इतना मालो दौलत दे रखा है, इसलिए वो तेरी इबादत करता है। अगर ये मालो दौलत मुझे इजाजत दे तो मैं उसका सब जेरो जबर कर दूं, फिर देखें वो कैसे तेरी इबादत करता है। उसके बाद क्या होता है समाप्त कीजिएगा। एक दिन शैतान ने वो सब जितने भी बागात और खेती वगैरह थी सब जलाकर राख कर दी, और फिर क्या हुआ समाप्त कीजिएगा। जो विषय थी उसने दी और उसने ली, शुक्र है उसका के फुर्सत मुझको दी। उनके ये शैतान शर्मिंदा हुआ, उस लई से फिर खुदा ने ये कहा, ले चुका अय्यूब का तू इम्तहा, अब भी मेरा शुक्र है बिरदे जुबान। बोला शैतान अब भी है वो शाद काम, है जनो फरजंद और लौंडी गुलाम। खादिमों से उसका दिल है शादुमा, फिर भला वो क्यों करे आओ पुगा। उससे भी महरूम हो अय्यूब जो, भूल कर लेगा ना तेरे नाम को। हक ने फरमाया के जा तू ये भी कर, खादिमो औलाद कर दे रो जबर। सुन के ये शैतान बेहद खुश हुआ, लेने पहुंचा इम्तहान अय्यूब का। कर दिए मिसमार सब महलो मकान, तब के उनमें मर गए खुर्दो कला। बोला शैतान जाके फिर अय्यूब से, कादिमों फरजंद दब कर मर गए।
जलजले से गिर पड़े महलों मकान, देखिए तो चल के क्या गुजरी वहाँ। आपने फरमाया कोई गम नहीं, आपने फरमाया कोई गम नहीं, आपने फरमाया कोई गम नहीं, आपने फरमाया कोई गम नहीं। उनका भी मालिक है रब्बुल आलमी, उनका भी मालिक है रब्बुल आलमी, उनका भी मालिक है रब्बुल आलमी। सुन के ये अय्यूब बोले गम नहीं, उनका भी मालिक है रब्बुल आलमी। शैतान एक दिन अल्लाह ताला से फिर कहता है कि अभी भी उसके पास खादिम है, औलाद है, लौंडी गुलाम है, वो क्यों? इसलिए वो तेरा शुक्राना अदा करता है, लेकिन परवरदिगार आलम कहता है कि जा, तुझे ये भी इजाजत है कि सब ले ले। उसके बाद वो जितने भी महल व मका थे वो सब उस शैतान ने गिरा डाले और उसमें सब दबकर मर गए। फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहता है कि मैंने तुम्हारे सब महल व मका जेरो जबर कर दिए और तुम्हारे खादिम फरजंद जितने भी थे सब मर गए, लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि कोई गम नहीं है, इन सब चीजों का मालिक भी वही रब्बुल आलमीन है। आगे क्या होता है समाप्त कीजिएगा। शुक्र है उसका कि फुर्सत दी मुझे, अब करूंगा खूब उसकी बंदगी। शुक्र है उसका कि फुर्सत मुझको दी, अब करूंगा खूब उसकी बंदगी। देख कर ये सबूर शैता उड़ गया, हक ने फरमाया के देखा हौसला। है मेरा अय्यूब साबिर किस कदर, कुछ नहीं उस पर तबाही का असर। बोला शैतान तंदुरुस्ती है अभी, इसलिए करता है तेरी बंदगी। लेने दे बस इम्तहां एक और तू, तंदुरुस्ती लेने दे फिल फौर तू। रब ने फरमाया के चश्मो दिल जुबान, छोड़ कर तू कर ले उनका इम्तहां। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि ठीक है, अगर तू ये भी इम्तहान लेना चाहता है तो जा कर ले, लेकिन आंख, दिल और जुबान, ये तीन चीजें छोड़कर पूरे बदन का जो चाहे वो कर। उसके बाद क्या होता है, किस तरीके से इम्तहान हो रहा है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का। फिर तो शैतान खुश हुआ बे इंतहा, बोला अब देखूंगा सब्र अय्यूब का। आप थे मस्जिद में जब महबे नमाज, दिल में थी बस यादे रब्बे बेनियाज। हालई शैतान उनकी ताक में, सजदे में पहुंचे तो फूका कान में। आग सी सारे बदन में लग गई, आपने बेचैन होकर आह की। एकदम पैदा हुई ऐसी जलन, आपनों से भर गया सारा बदन। चीख सुनकर बीबी रहमत आ गई, चीख सुनकर बीबी रहमत आ गई, चीख सुनकर बीबी रहमत आ गई, चीख सुनकर बीबी रहमत आ गई। हाल उनका देख कर घबरा गई, हाल उनका देख कर घबरा गई, हाल उनका देख कर घबरा गई।
बीवी रहमत भी वहां आ जाती हैं। उसके बाद क्या होता है सुनिएगा सामीन। बोली वो सरताज मेरे क्या हुआ, ये अचानक आ गई कैसी बला। बोले ये अय्यूब इसका रंज क्या, चाहिए हर हाल में शुक्रे खुदा। आपलों में जोर खुजली का हुआ, जब खुजाया पीप तक बहने लगा। बोले बीवी से न तुम सदमा करो, अब मुझे मस्जिद से बाहर ले चलो। ये खुदा का घर है क्यों ना बात हो, कोई बाहर ही जगह तुम ढूंढ लो। सुन के ये रहमत ने ढूंढा एक मकाम, सब जहां मिस्कीन खाते थे तो आम। फिर महल्ले में गई और ये कहा, हाल है अय्यूब का बिगड़ा हुआ। तुम खुदा के वास्ते इतना करो, उनको एक टीले पर लाकर छोड़ दो। जो हमेशा गाते थे नेमत वही, सख्त नफरत से लगे कहने सभी। तेरे शौहर पर खुदा का है अजाब, हम छुएंगे होंगे सब खाना खराब। आके दी अय्यूब को फिर ये खबर, प्यारे शौहर फेर ली सबने नजर। बोले ये अय्यूब कुछ शिकवा नहीं, बोले ये अय्यूब कुछ शिकवा नहीं, बोले ये अय्यूब कुछ शिकवा नहीं, बोले ये अय्यूब कुछ शिकवा नहीं। कम न कर अल्लाह हमें भूला नहीं, कम न कर अल्लाह हमें भूला नहीं, कम न कर अल्लाह हमें भूला नहीं। सलाम के कान में वो शैतान नमाज पढ़ते वक्त जाने ऐसी कौन सी चीज फूकता है कि आपका सारा बदन आवलों से भर जाता है और उसमें पीस जारी हो जाता है। आप अपनी बीवी से कहते हैं कि मुझे मस्जिद से बाहर कहीं ले चलो। आप सबसे मदद मांगती हैं मोहल्ले वालों से जो कल तक आपकी राया में थे, आज आपको छूने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आप कहते हैं कि कोई शिकवा नहीं, हमें अल्लाह नहीं भूला है। उसके बाद क्या होता है समाज फरमाइएगा। बोले बीवी से के तू लाहौल पड़, तेरी ताकत बिल यकी जाएगी बढ़। बीवी रहमत ने बफजले की बूरिया आपको टीले तलक पहुंचा दिया। आह टीला वो जहां मोहताज सब, खाते थे खैरात आके रोज शब। उस जगह अय्यूब है बेबस पड़े, बादशाह का हाल है ये देखिए। कुछ दिनों के बाद हालत ये हुई, जख्मों से आने लगी बदबू बड़ी। आपकी बीवी से लोगों ने कहा, अपने शौहर को यहाँ से लो हटा, वरना होगा हाल इससे भी बुरा। जिस्म होगा इनका कुत्तों की गिज़ा। हमसे अब बदबू सही जाती नहीं, दूर ले जाओ इन्हें फौरन कहीं। रोती आई और शौहर से कहा, आपकी है कौम कितनी पुर जफा। कहते हैं बस्ती से ले जा इनको दूर, व
वरना हम दौड़ाएंगे कुत्ते जरूर। ये कहा अय्यूब ने घबराओ मत, आंसू इन आंखों से तुम बरसाओ मत। नाम खारिज जो नबूवत से हुआ, तो बिला शक हूँ मैं कुत्तों की गिजा। गोश्त नबियों का हुआ सब पर हराम, गोश्त नबियों का हुआ सब पर हराम, गोश्त नबियों का हुआ सब पर हराम, गोश्त नबियों का हुआ सब पर हराम। आ नहीं सकते मुझे बोला कलाम, आ नहीं सकते मुझे बोला कलाम, आ नहीं सकते मुझे बोला कलाम। हुआ सब पर हराम, खा नहीं सकते मुझे वो ला कलाम। आगे क्या होता है समाप्त कीजिएगा। लाए कुत्ते लोग जब अय्यूब पर, तो झुकाए अपने सब कुत्तों ने सर। फिर कहा अय्यूब से सबने यही, तुम चले जाओ यहां से आज ही। बोले अय्यूबा ऐसा मत करो, मुझको बाहर घूरे पे तुम डाल दो। पढ़ते हैं जिस जा पे मुर्दा जानवर, डाल दो मुझको वहीं तुम सब बशर। बोले वो होगा ना हरगिज ये कभी, हम लगाएंगे ना तुमको हाथ भी। आपने फरमाया बीवी से सुनो, राह में जंगल की जाकर बैठ लो। जो मुसाफिर आए करना तुम सवाल, तो मेरे अय्यूब को घूरे पे डाल। बिलियकी कुछ रहम फरमाएंगे वो, बस्ती से घूरे पे पहुंचाएंगे वो। इतना सुनकर बीवी रहमत रो पड़ी, बस्ती से बाहर वो जंगल में गई। राह में बैठी वो जाकर सोगवार, मुंतजर थी आए कोई गम गुसार। शाहजादे आए तो कहने लगे, तुम यहाँ बैठी हो आकर किस लिए, तुम यहाँ बैठी हो आकर किस लिए, तुम यहाँ बैठी हो आकर किस लिए। कौन हो तुम, क्या तुम्हारा नाम है, क्यों हो रंजीदा यहाँ क्या काम है। इतना सुनकर हो गई वो अश्कुबार, हाल अपना कर दिया यूं आशिकार। मैं हूँ बीबी हजरत अय्यूब की, सख्त मुश्किल में है उनकी जिंदगी। मेरे शौहर थे जो अब तक ताजवर, थी हुकूमत उनकी सारे मुल्क पर। आए वो अल्लाह के प्यारे नबी, आज उनकी जान पर है आपनी। आ पड़ी है उन पे आफत नागहां, हो रहा है सख्त उनका इम्तहान। पड़ गए सारे बदन में आप ले, हाल उनका है बड़ा तकलीफ दे। आज हम जो आफतों में गिर गए,
बस्ती के सब लोग हमसे फिर गए, कहते हैं ले जाओ इनको घूरे पर, वरना कर देंगे इन्हें जेरो जबर। कोई ये लिल्ला आफत डाल दे के उन्हें घूरे पेला कर डाल दे। इतना सुनकर शाहजादे रो पड़े, बीबी रहमत से वो ये कहने लगे, आपका सुनकर ये रहमत माजरा, गम की शिद्दत से कलेजा हिल गया। है हमारी आपसे ये इल्तमास, हमको फौरन ले चलो तुम उनके पास, आपके शोहर के हम काम आएंगे, आपके शोहर के हम काम आएंगे, आपके शोहर के हम काम आएंगे, आपके शोहर के हम काम आएंगे। वो जहाँ चाहेंगे हम पहुँचाएंगे, वो जहाँ चाहेंगे हम पहुँचाएंगे, वो जहाँ चाहेंगे हम पहुँचाएंगे। हम उनको वो जहां भी चाहेंगे पहुंचाएंगे, आप फिक्र ना करें, हमको फौरन ही आप उनके पास ले चलें। अब वो दोनों शहजादे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी रहमत के साथ उनके पास जाएंगे और फिर उनको उठाकर कहां ले जाएंगे, ये आप कैसेट के भी साइड में समाप्त फरमाएंगे। समाप्त कीजिएगा ये लास्ट बंद दोबारा से। आपके शोहर के हम काम आएंगे, आपके शोहर के हम काम आएंगे, आपके शोहर के हम काम आएंगे, आपके शोहर के हम काम आएंगे। वो जहाँ चाहेंगे हम पहुँचाएंगे, 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 वो जहाँ चाहेंगे हम पहुँचाएंगे। शहजादे बीबी रहमत के साथ हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं और फिर क्या होता है, समाप्त कीजिए। आखिर ये दोनों शहजादे हैं कौन, मुलाहजा कीजिएगा। बीबी रहमत और वो दोनों गए, हजरत अय्यूब से जाकर मिले, अर्ज खिदमत में किया पहले सलाम, फिर हुए अय्यूब से वो हम कलाम, लेके बस्ती से वो घूरे पर गए, हो गए रूपोश उनको छोड़ के, बोले ये अय्यूब ए रहमत बता, कौन थे मालूम है उनका पता, बोली मुझको क्या खबर वो कौन थे, शाहजादे थे किसी भी मुल्क के, बोले ये अय्यूब रहमत जान ले, दोनों जिब्राइल और मीकाईल थे, तुमको रंगीदा परेशान देख कर आए थे अल्लाह के भेजे हुए, कूड़ा करकट गंदगी को देख कर बीबी रहमत पर हुआ बेहद असर, रो पड़ी वो इस तरह कहने लगी, रंज से बेताब है कल्बे हसी, हाय दम भर में ये क्या से क्या हुआ,
कर्रों पर इकबाल सारा छिन गया। सल्तनत के तख्त पर कल था कयाम, आज घूरे पर मिला तुमको मकाम। कल थे बिस्तर रेशमी और मखमली, आज बिस्तर है ये घूरा गंदगी। क्यों ना दिल का चैन अब ताराज हो, कल सखी थे आज तुम मोहताज हो, कल सखी थे आज तुम मोहताज हो, कल सखी थे आज तुम मोहताज हो। क्यों ना दिल का चैन अब ताराज हो, कल सखी थे आज तुम मोहताज हो। बीवी कहती है अपने शोहर से उसके बाद, गम की चादर कैसी सर पर तन गई, मिट गई औलाद जहां पर बन गई। आपने फरमाया मेरी दिल हसी, शुक्र की जा है शिकायत की नहीं। बंदे को जिस हाल में रखे खुदा, चाहिए के शुक्र बोलाए बजा। जो मुसीबत आई है बीवी मेरी, ये भी रहमत है खुदाए पाक की। कुछ दिनों के बाद बीवी से कहा, इस जगह अब दिल मेरा उकता गया, इस जगह भी अब ताकुन से मेरे है बहुत तकलीफ लोगों के लिए। दूर जंगल में कहीं जाओ चली, झाड़ियां काटो बनाओ झोपड़ी, और फिर हमको यहां से ले चलो, ताना कुछ तकलीफ हो मखलूक को। बीबी रहमत हो गई फौरन रवा, जाके फिर जंगल में काटी झाड़ियां। हाथ कांटों से हुए जख्मी तमाम, कर दिया पर झोंपड़ी का इंतजाम। दिल थरंजीदा बहुत चेहरा उदास, जाके ये कहने लगी शोहर के पास, ऐ मेरे सरताज अल्लाह के नबी, मैंने जंगल में बना दी झोपड़ी, मैंने जंगल में बना दी झोपड़ी, मैंने जंगल में बना दी झोपड़ी। फिर अय्यूब रहमत से सुनो, फिर किसी को आज जाकर ढूंढ लो। बीवी रहमत फिर गई जंगल में आ, जाके ढूंढा हर तरफ डाली निगाह। सारे दिन ढूंढा न कोई मिल सका, बैठ कर करने लगी आहो पुका। आज मेरे बादशाह अय्यूब का कोई भी हामी नहीं मेरे खुदा। सारे दिन मैंने किया है इंतजार, कोई भी पाया ना मैंने गमगुसार। देख कर रहमत को मुजतर बेकरार, हो गए कुदसी पलक पर अश्कबार। और खुदाए पाक से कहने लगे, बीवी रहमत मुज़्तरिब है देर से, हुक्म पर
फरमा तो करें इमदाद हम, जाके रहमत को करें दिलशाद हम। हुक्म हक से तो फरिश्ते आए तब, काम आए वो नबी के बाअदब। झोपड़ी में जाके पहुंचाया उन्हें, बीवी रहमत भी थी उनके साथ में। हाय वो सुनसान जंगल पुर खतर, रात अंधेरी और दरिंदों का खतर। कैसी कैसी आफतें आकर पड़ी, कैसी कैसी आफतें आकर पड़ी, कैसी कैसी आफतें आकर पड़ी, कैसी कैसी आफतें आकर पड़ी। साथ शौहर का मगर छोड़ा नहीं, साथ शौहर का मगर छोड़ा नहीं, साथ शौहर का मगर छोड़ा नहीं। जख्म अब अय्यूब के सड़ने लगे, और उनके जख्मों में कीड़े पड़े। आज है अय्यूब का वो हाल जार, दर्द गम और भूख से है बेकरार। देख कर ये हाल बीवी आपकी, हो गई बेचैन और सिसकी बंधी। दूर के गांव में पहुंची गमजदा, और घर घर आपने जाकर कहा। हजरत अय्यूब शौहर को मेरे, आज पाके में पड़े दो दिन हुए। हमसे अपने घर का कोई काम लो, और मजदूरी में रोटी हमको दो। आह शहजादी वो शाहे मिस्र की, हजरते यूसुफ की पोती हूर सी। मेहनत मजदूरी का करती है काम, पीसती है चक्की वो पहरे तो आम। खाना लाती है वो शौहर के लिए, और खिलाती है खुद अपने हाथ से। जख्म धोना और पट्टी बांधना, सारी खिदमत करना चक्की पीसना। रात दिन उसका यही मामूल है, ये मुसीबत और इसका तूल है। पानी भरते भरते चक्की पीस दे, पानी भरते भरते चक्की पीस दे, पानी भरते भरते चक्की पीस दे, पानी भरते भरते चक्की पीस दे। उनके नाजुक हाथों में छाले पड़े, उनके नाजुक हाथों में छाले पड़े, उनके नाजुक हाथों में छाले पड़े। पानी भरते भरते चक्की पीसते, उनके नाजुक हाथों में छाले पड़े, उसके बाद क्या होता है मुलाहजा फरमाइएगा। देख कर अय्यूब को सदमा हुआ, आह भर के अपनी बीवी से कहा। इस कदर तकलीफ क्यों सहती हो तुम, भूखी प्यासी काम में रहती हो तुम। काम से हाथों में छाले पड़ गए, फूल से रुखसार काले पड़ गए। तंदुरुस्ती गिर गई है किस कदर, दिल लरज उठता है तुमको देख कर। ये मुसीबत बहती है औरत कहीं, देखी जाती हमसे ये हालत नहीं। तुम हो रहमत प्यारी दुख्तर शाह की,
मेरी खातिर हो मुसीबत में पड़ी। हश्र में पूछेंगे वालिद आपके, तुमने इतने काम रहमत से लिए, फिर भला क्या दूंगा मैं उनको जवाब, होगी एक शर्मिंदगी रोजे हिसाब। इसलिए तुम छोड़ कर मेरे लिए घर चली जाओ तुम अपने बाप के, हो रहा है सिर्फ मेरा इम्तहान, क्यों मुसीबत में पड़ी हो तुम यहाँ। इतना सुनकर हो गई वो बेकरार और फिर रोने लगी वो जार जार, बोली ऐसा मत कहो बहरे खुदा, बोली ऐसा मत कहो बहरे खुदा, बोली ऐसा मत कहो बहरे खुदा, बोली ऐसा मत कहो बहरे खुदा। कब जीऊंगी आपसे होकर जुदा, कब जीऊंगी आपसे होकर जुदा, कब जीऊंगी आपसे होकर जुदा। आप कहते हैं कि तुम इस परेशानी में मेरे साथ क्यों रह रही हो, तुम्हारे वालिद हश्र के दिन अगर पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा, लेकिन आप ये सुनकर रोती हैं और क्या कहती हैं, समाप्त कीजिएगा। हश्र में पूछेंगे कब ये बाप माँ, नफ्सी नफ्सी सब पुकारेंगे वहां, जब खुदा फरमाएगा मुझसे जनाब, तूने क्यों शौहर को छोड़ा दे जवाब। ऐश में तो साथ शौहर के रही, क्यों ना आड़े वक्त में मुश्किल सही, मैं भला क्या दूंगी महशर में जवाब, मुझ पे नाजिल होगा कुदरत का अजाब। ये मुसीबत सब मुझे मंजूर है, मेरा दिल बस आपसे मसरूर है, जान भी कर दूंगी मैं तुम पर निसार, पर जुदाई आपकी है ना गवार। इम्तहान तो देखिए फिर क्या हुआ, जिस्म सब कीड़ों ने छलनी कर दिया, कोई कीड़ा गिरता तो लेते उठा और कहते खा तू मेरा गोश्त खा। जिस्म मेरा है खिजा तेरे लिए, छोड़कर हरगिज न जा मेरे लिए, काम जो कीड़ों के आऊंगा यहां, हश्र में तो कुछ मिलेंगी नेकियां। कुछ न मुश्किल का गिला कर दे थे वो, रात दिन शुक्रे खुदा करते थे वो, रात दिन शुक्रे खुदा करते थे वो, रात दिन शुक्रे खुदा करते थे वो। गाँव में शैतान बनकर आदमी पहुंचा और सबके लिए तंबीह की। देखिए हजरात, जिस गांव में आपकी बीवी काम धंधा करके अपने शोहर को खाना लाती थी, रोटी लाती थी, शैतान एक दिन उस गांव में भी पहुंच गया और लोगों को कैसे बरगला रहा है वहां, समाप्त कीजिएगा। बोला जो आती है औरत काम को, एक जुजामी की है बीवी दोस्तों, तुम कराओगे जो घर में उससे काम, तुमको भी हो जाएगा मर्दे जुजाम। इतना सुनकर गांव वाले डर गए,
बेवफाई सब के सब वो कर गए। बीबी रहमत को ना फिर आने दिया, काम देने से मना सबने किया। आ रही थी लौट करना काम वो, एक जगह से गुजरी वक्त शाम वो। देखती है क्या के एक मर्दे ज़ईफ, हाथ में तस्बीह सूरत से शरीफ। चेहरा नूरानी है सर पर है कुला, ऐसा लगता है कि कोई बादशाह। देख कर रहमत को वो कहने लगा, बीवी है अय्यूब की तू मैं लगा। तेरा शौहर पहले था एक बादशाह, ऐश में रहता था वो शामो पगा। साहिदो आबिद था वो ऊंचा सखी, साहिदो आबिद था वो ऊंचा सखी, साहिदो आबिद था वो ऊंचा सखी, साहिदो आबिद था वो ऊंचा सखी। करता था दिन रात रब की बंदगी, करता था दिन रात रब की बंदगी, करता था दिन रात रब की बंदगी। थे बहुत से खादिमों लौंडी गुलाम, शान शौकत का बड़ा था एहतमाम। दुख्तरों फरजंद से था घर भरा, खेत और बागात भी थे पुरपदा। था वो पहले खूबसूरत पहलवान, हो गया वो अब जुजामी नागहां। क्यों हुआ उस पर भला ऐसा गजब, सुन बताता हूँ तुझे इसका सबब। इसको ये अब तक नहीं मालूम था, देख मुझको मैं जमी का हूँ खुदा। आसमानी रब की तुम दोनों सदा, बंदगी करते रहे बेफायदा। मैंने तो सब कुछ किया तुमको अता, तुमने एक सजदा नहीं मुझको किया। इसलिए सब चीजें मैंने छीन ली और शौहर को तेरे तकलीफें दी। फिर ये उंगली के इशारे से कहा, देख वो मौजूद है सब कुछ तेरा। बीवी रहमत ने जो देखा उस तरफ, खादिमों फरजंद पाए सब बसब। और जितने मर गए थे जानवर, बीवी रहमत को वो सब आए नजर। बोली वो हमको नहीं मालूम था, बोली वो हमको नहीं मालूम था, बोली वो हमको नहीं मालूम था, बोली वो हमको नहीं मालूम था। है खुदा भी और कोई दूसरा, है खुदा भी और कोई दूसरा, है खुदा भी और कोई दूसरा। ये सब बातें कौन कह रहा है आपकी बीवी से? शैतान आता है भेष बदल कर, वही बहका रहा है आपको कि शायद अभी ये बहक जाए, लेकिन उसके बाद क्या होता है समाप्त कीजिएगा। उनसे फिर शैतान ये कहने लगा, अपने शौहर को तू ये देना बता। एक सजदा कर ले मेरे नाम का, फिर से वो हो जाएगा अच्छा भला। छिन गया है जो वो सब मिल जाएगा, लौट कर फिर वो जमाना आएगा। इत
इतना सुनकर बीबी रहमत चल पड़ी, जाके ये अय्यूब से कहने लगी। सुन के गुस्सा आ गया अय्यूब को और कहा चल सामने से दूर हो, क्या जमी क्या आसमां दोनों जहां है फकत अल्लाह के सब बेगुमा। आज तूने जुर्म ये बेजा किया, हो गया मैं ठीक तो दूंगा सजा। ये किया है तूने एक ऐसा कसूर, कोड़े सौ तुझको लगाऊंगा जरूर। अय्यूब अलैहिस्सलाम अपनी बीवी से कहते हैं कि तू शैतान के बहकावे में आई है, अगर मैं ठीक हो गया तो तुझे इसकी सजा जरूर दूंगा, तेरे 100 कोड़े लगाऊंगा। उसके बाद क्या होता है सुनेंगे। बीबी रहमत डर गई, कहने लगी अब खता ऐसी कभी होगी नहीं। वो गई एक रोज बाहर काम को, क्या हुई रहमत खुदा की देख लो। हजरते जिब्रील आए शाद काम और कहा अय्यूब से रब का सलाम। बोले फरमाने खुदा है अब यही, एड़िया मारो जिमी पर तुम अभी। फिर सहारा दे के वो इस आन में लाए जिब्रीले अमी मैदान में। फिर कहा अय्यूब से ऐ मेहरबान, हो गया पूरा तुम्हारा इम्तहान। इस तरीके से हजरत अय्यूब का इम्तहान पूरा होता है। अब क्या होता है, मारी एड़ी जब जमी पर आपने, पानी के धारे लगे तब फूटने। देखते ही देखते चश्मा बना, बोले ये जिब्रील इसमें लो नहा। आपने गोता लगाया जिस घड़ी, दूर बीमारी वो सारी हो गई। हो गए पहले से भी ज्यादा कभी, हो गए पहले से भी ज्यादा कभी, हो गए पहले से भी ज्यादा कभी, हो गए पहले से भी ज्यादा कभी। चांद सी सूरत हुई अय्यूब की, चांद सी सूरत हुई अय्यूब की, चांद सी सूरत हुई अय्यूब की। जब जिब्रील अमीन ने उनको ये बताया कि आप रेड़ियां अपनी एड़ियां जो हैं ये जमीन से रगड़िएगा, एक चश्मा जारी होता है और जब आप उसमें नहाते हैं तो आपकी सारी बीमारी दूर हो जाती है और जैसे पहले थे वैसे ही हो जाते हैं और उससे ज्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। आखिरी बंद हजरात समाप्त कीजिएगा, शौक वजीर गंजवी क्या कह रहे हैं। फिर दिया जन्नत का उनको एक लिबास, देख मेवे जन्नती की इल्तमास। सेब तन कीजिए ये कपड़े जन्नती, और मेवा खाओ ये फिरदौस की। बीवी रहमत आई देखी झोंपड़ी, जब न पाया आपको तो आह की। दिल में उनके ये शुबा पैदा हुआ, मेरे शौहर को दरिंदा ले गया। बेतहाशा बागी दौड़ी ढूंढने, जब न पाया तो लगी वो चीखने। आए फिर जिब्रील और अय्यूब पास, बोले क्यों है आपको रंजो हिरास। सड़ रहे थे मिल गई दुख से निजात, इसमें क्या है इस कदर रोने की बात। बोली ऐसा मत कहो उनके लिए, मेरे शौहर थे मुझे सरताज थे। बोले ये जिब्रील थे किस शक्ल के, उनका कुछ हुलिया बता तो दीजिए।
बस यही पूछा जनाब अय्यूब ने, उनकी सूरत कैसी थी फरमाइए। जब आप अच्छे खासे हो जाते हैं तो आपकी बीवी पहचान नहीं रही है उन्हें, और पूछ रहे हैं हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपनी बीवी से कि तुम्हारे शौहर कैसे थे, जरा उनकी कुछ पहचान बताइए। तो वो क्या पहचान बताती हैं? बोली वो बसते तुम्हारी शक्ल के, इससे पहले जब के थे अच्छे भले, आप जैसा नाक नक्शा उनका था, आपसे थे एक खूबी में सिवा, एक सितारा उनकी पेशानी में था, तुमने देखा हो उन्हें तो दो बता, अपना सरकाया अमामा और कहा, ये सितारा तो नहीं था आपका। देखकर हैरान हुई बोली जनाब, कौन हो तुम तो पता अपना शिताब। बोले ये अय्यूब रहमत गम न कर, हो गई रब की इनायत की नजर, मैं वही अय्यूब हूँ शोहर तेरा, तू मेरी बीवी है बेशक बावफा। गिर गई पांव पे और चूमे कदम, बोली बेशक हो गया रब का करम, गुस्ल रहमत ने भी चश्मे में किया, हुस्न फिर उनका दुबाला हो गया, कर दिया दोनों को रब ने नौजवान, फिर हुए पैदा वो लड़के लड़कियां। बादशाहत भी दोबारा मिल गई, और कली दोनों के दिल की खिल गई, हो गए वो इम्तहान में कामयाब, रह गया शैतान ही खाना खराब। शौक अल्लाह साबिरों के साथ है, शाकिरों पर खास उसका हाथ है, शाकिरों पर खास उसका हाथ है, शाकिरों पर खास उसका हाथ है। शौक अल्लाह साबिरों के साथ है, शौक अल्लाह साबिरों के साथ है, शौक अल्लाह साबिरों के साथ है, शौक अल्लाह साबिरों के साथ है। शाकिरों पर खास उसका हाथ है, शाकिरों पर शाकिरों पर खास उसका हाथ है, शाकिरों पर खास उसका हाथ है, शाकिरों पर।